हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे नन्हे मुन्ने बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और सभी बहुत खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ एक नई स्टोरी, भूत बना भगवान। हाउ इज दिस पॉसिबल कि कोई भूत भी भगवान बन सकता है, लेट्स सी। चलो सुनते हैं क्या बातें होती हैं। एक पेड़ था, उस पे एक दुष्ट बंदर रहता था जो आने जाने वाले सारे जानवरों को तंग किया करता था। उसे कभी किसी से उसकी नहीं बनती थी। वो एक जामुन के पेड़ पर रहता था और उस जामुन के फल वो सारे वही खाता था। एक बार उसके पेड़ के नीचे एक शेर जंगल से थक कर आराम कर रहा था। उसे बहुत ज़ोर की नींद लगी थी, इसलिए वो शेर सो गया था। बंदर तो बड़ा शैतान, झट से चढ़ा पेड़ पे और ऊपर से जामुन के एक एक टुकड़े तोड़ के लगे उसने शेर को मारने। शेर ने देखा, शेर की नींद खुली, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, बंदर तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें दिखता नहीं जंगल का राजा यहाँ सो रहा है। पर उस बंदर को क्या, उसको किसी की नहीं पड़ी थी, उसे तो सिर्फ और सिर्फ सैदानियाँ करनी थी। राजा ने कहा, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो चुपचाप से मुझे सोने दो, मुझे आराम करने दो, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ शिकार करने के बाद। पर उस बंदर को जैसे लगा कितना घमंड सवार था, उससे उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। उसने कहा, हा हा हा, तुम क्या कर लोगे शेर मेरा, मैं तो पेड़ पे रहता हूँ, तुम तो पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाओगे, तुमने शेर का जन्म लिया है। शेर ने कहा, अच्छा बेटा, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, मेरा एक दोस्त चील है, वो तो चढ़ पाएगा। और तो क्या, फिर इतना कहते ही चील आया और उसने उस झट से बंदर को सिर पे मारा और बंदर गिर गया पेड़ के नीचे। शेर ने आओ देखा न ता, उसने बंदर की कोई बात नहीं सुनी और बंदर पे झपटा। बंदर ने बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा साहब, पर वो क्यों, उसके तो पसीने छूट गए थे। पर शेर ने भी कहा, नहीं मैं नहीं हार मानने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। और वो झपट के उसने बंदर को खा लिया। फिर उसने चील से कहा, चील भाई आओ, तुम भी जो बचे खुचे मांस है उसकी दावत उड़ाओ, आ जाओ। फिर क्या था, शेर तो चला गया वहाँ से और अब चील बैठ के नोच नोच के बंदर को खाने लगा। इस तरह से उस बंदर की लीला समाप्त हो गई। पूर्णिमा रात थी, चारों ओर उजाली, तभी अचानक से आकाश में बहुत तेज लाइट हुई और उस जामुन के पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ था। पर उस बंदर की आंखें पहले वाले बंदर जैसी नहीं थी, काली काली आंखें, एकदम डरावनी, जैसे कि वो किसी को खा जाए। और फिर उस पेड़ के नीचे शेर सोया हुआ था, उसे शेर को देखते उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो वहीं से चिल्लाया, ओए दुष्ट शेर, तेरा आज अंत निश्चित है। उसकी इतना कहते ही आधी तूफान, चारों ओर बादल गरजने लगे। शेर को जैसे लगा काटो तो खून नहीं, उसने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें सुबह ही खा लिया था, तुम फिर अचानक कैसे चले आए, ये नहीं हो सकता। पर उस बंदर ने एक न सुनी, वो कहा, मैं आया हूँ तेरा खात्मा करने, अब देख तू। और उतना कहते बंदर पेड़ से उतरा, उसने शेर को उठाया, उसकी पूंछ पकड़ के दूर आसमान में फेंक दिया। इतना देखते ही देखते शेर पता नहीं कहाँ जाके गिरा, किसी को पता नहीं। उसका दोस्त चील देख के आया, अरे ये क्या हो गया, मेरा दोस्त कहाँ गया और तुम दुष्ट बंदर तुम फिर आ गए, तुम कहाँ से आ गए, मैंने तो तुम्हें सुबह ही खाया था। बंदर ने कहा, दुष्ट चील, अब तेरा खात्मा निश्चित है। इतना कहते चील उड़ गया। पर ये क्या, बंदर तो सुपरमैन के जैसे उड़ा और जाते ही उसने उस चील की पूंछ को पकड़ा और यूं घुमा के फेंका कि चील का कुछ पता ही नहीं चला, पता नहीं कहाँ वो चला गया। ऐसे करके बंदर ने अपने दोनों दुश्मनों से बदला ले लिया और वो फिर सोचने लगा, चलो कम से कम आज मेरी आत्मा तृप्त हुई, मैंने उन दोनों दुष्ट को मार डाला। और फिर वो नीचे उसी पेड़ पर चला आया जहाँ वो रहता था, जो उसका जामुन का पेड़ था। वो हवा में उड़ता था, वो हवा में बातें करता था, वो पानी में चल सकता था, उसको हर एक जादू आता था। और वो आके उस पेड़ पे रहने लगा। उसने कहा, अब तो मैं इस पेड़ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, ये पेड़ मेरा घर है और मैं इसी पेड़ पे रहूँगा। इस प्रकार उसने सारे जानवरों को बुलाया और बोला, मैं तुम सबका भगवान हूँ, आज के बाद से जो मैं कहूँगा वही तुम लोगों को करना है, तुम लोग और मेरे अलावा कुछ नहीं करोगे। सारे जानवर थर थर कांपने लगे, अरे ठीक है पर तुम कैसे आए हो, तुम
भेजा है कि तुम जाओ और उस जंगल का कल्याण करो, और उससे जो भी गलती करेगा उसकी सजा उसे मैं दूंगा, जो अच्छा करेगा उसके लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। इतना सुनते ही सारे जानवरों को लगा चलो अच्छा है, उसने उड़ के दिखाया, देखो मैं उड़ सकता हूँ, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है कि मैं भगवान हूँ। फिर क्या था, सबने मान लिया हाँ ये भगवान ही है। अब तो बंदर दिन रात बैठ के चुपचाप जामुन खाता। जिस जानवर की कोई गलती होती वो अपनी अपनी शिकायत लेके आते और बंदर आराम से उनकी एक एक बातें सुनता और उन्हें उसकी सजा देता। बंदर इस मामले में बहुत होशियार था और चुपचाप एक दिन बैठ के जामुन खा रहा था। तभी अचानक से मिनी खरगोश उसके पास आई और बोली, सजा देता हूँ। मिनी ने कहा, नहीं 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 बंदर जी, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपना चोट ठीक करवाना है। आप भगवान जी हो, आप अपने हाथों से छू के मेरा चोट ठीक कर दो। बंदर ने कहा, ठीक है लाओ मैं ठीक कर देता हूँ, अगर तुम यही चाहती हो कि किसी को सजा ना मिले, तुम्हें ही तुम्हारी चोट ठीक हो जाए, तो लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। बंदर ने अपने हाथों से चोट को छुआ पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वो दो मिनट तक देख के खड़ा होके देखता रहा। फिर उसने मिनी ने कहा, बंदर भगवान जी कोई फायदा नहीं है हमारा, मेरा पैर तो नहीं ठीक हो रहा। फिर बंदर ने कहा, अच्छा ठीक है फिर मैं देखता हूँ। फिर उसने भूत कभी भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, अगर वो सजा देते हैं तो वो जीवन दान भी देते हैं, अगर वो सजा देते हैं तो वो सबके प्राणों को ठीक भी करते हैं, सबके चोट को ठीक करते हैं, सबके प्राणों को बचाते हैं, जन्म भी देते हैं। भूत है और भूतों का हमारे जंगल में कोई स्थान नहीं है। इतना सुनते ही बंदर को लगा कि अगर अब मैं थोड़ी देर भी यहाँ रहा तो ये सब मुझे पटक के मार देंगे, फिर मैं दोबारा मर जाऊंगा। अब उसे लगा कि यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। उसके तब तक भालू राजा ने कहा, देख बंदर भाई, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो बता, मैं तेरा इलाज करूँ। भालू के चिकन काटी को देख के बंदर थोड़ी देर डर गया, उसे लगा कि यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। फिर क्या, वो चुपचाप चला। जो हम इस प्रकार बच्चों हमें अपने बारे में गलत धारणा